ये खपलो में मस्जिद है, चकचंद मस्जिद, और तारीखी लिहाज से इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। और ये खपलो पैलेस के बिल्कुल करीब है, 800 मीटर खपलो पैलेस से आगे ये खपलो में ही मौजूद है। चकचंद मस्जिद का ये बाहर का व्यू है, अंदर का व्यू मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये इसका दाखिली दरवाज़ा है और अभी हम अंदर चलते हैं। लकड़ी की बनी हुई मस्जिद है और बहुत पुरानी है। ये सीढ़ियाँ ऊपर की तरफ जाती हैं और थोड़ा 15 से 20 स्टेयर्स हैं। एक ये इसका कमरा अलग बना हुआ है, इस पे लॉक लगा हुआ है, और ये इसका मेन दाखिली दरवाज़ा है। जूते यहाँ पे उतारे जाते हैं और ये इसका व्यू है सामने से। दिस इज द व्यू फ्रॉम द फ्रंट साइड। अभी आगे चल के अंदर का व्यू भी देखते हैं। मैं जूता उतारता हूँ यहाँ पे बाहर ही, और यहाँ पे हम जूते उतारेंगे। ये इसके अंदर का व्यू है, राइट हैंड साइड से हम चलते हैं। ये इसकी एक बाहर समझ लें बैल्कनी है या एक बाहर का पोर्शन है। ये चारों तरफ से ऐसे ही है और अभी हम चारों तरफ से घूम के देखते हैं। उसके बाद फिर हम इसके अंदर एक और हॉल है वो देखते हैं। सारी लकड़ी की बनी हुई है ये। ये इसकी बैक साइड है और यहाँ पे दिए वगैरह जलाए जाते हैं। अभी हम और आगे चलते हैं, पूरा व्यू घूम के देखते हैं। यहाँ से खपलो सिटी का व्यू भी नज़र आता है, वो रिवर और कॉन्स भी नज़र आ रही हैं। मज़ीद आगे चलते हैं हम। इस तरफ आबादी है, लोगों के घर हैं। ये इसकी राइट साइड है। अभी और आगे चलते हैं हम। ये इसमें इलेक्ट्रिसिटी का भी कनेक्शन यहाँ पे मौजूद है, मीटर वगैरह लगा हुआ है। और ये घूम के हम फिर वहीं पे आ गए हैं जहाँ पे इसकी मेन एंट्रेंस है। और अभी फिर हम अंदर चलते हैं। अंदर का रास्ता थोड़ा सा लेफ्ट साइड राइट साइड से घूम के तो अंदर जाते हैं। यहाँ से अभी हम गुजरे हैं। ये इसके मजीद अंदर का व्यू है, ये इसका अंदर का व्यू है। ये ऊपर का हिस्सा आम मौसम में इस्तेमाल होता है नमाज पढ़ने के लिए, और सर्दियों में नमाज पढ़ने के लिए यहाँ नीचे इंतजाम किया गया है। ये सीढ़ियाँ नीचे जा रही हैं मेन दाखिली दरवाजे के पास ही, और ये अंदर इसके सर्दियों के में नमाज अदा करने के लिए जगह बनाई गई है। अभी तो यहाँ पे थोड़ा टेम्परेचर बाहर के निस्बत नॉर्मल है, लेकिन सर्दियों में यहाँ पे सर्दी की शिद्दत वो नहीं होगी जो ऊपर के हिस्से में होती है। ये मस्जिद के हॉल को गर्म रखने के लिए हीटर है लकड़ी वाला, और छोटा सा हॉल है जिसमें नमाज अदा की जाती है सर्दियों में।